हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास इंटेक्स का होम थिएटर आया हुआ बनने के लिए, जो कि प्रोफेशनल लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का होम थिएटर है, जो कि आपके घर के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड दे देता है नॉर्मल प्राइस की रेंज में। तो फ्रेंड, यहाँ पे इस होम थिएटर का जो प्रॉब्लम है, चूहे ने इसकी कांड कर दी है पूरी। चूहे ने इसकी पूरी तार को, पूरी वायर को, पूरे बूफर को, सभी को काट के पूरा बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पे इस होम थिएटर में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं फ्रेंड आपको इस होम थिएटर का पूरा वायरिंग कनेक्शन और पूरा कंप्लीट करके आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये इंटेक्स का पूरा कंप्लीट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड। इस बोर्ड में भी ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन बहुत किसी सर्किट बोर्ड में कैपेसिटर को भी ख़त्म कर देता है, जो कि रिपेयर करने के लेवल में होता है, जिसका प्रॉब्लम सॉल्व करना इजीली नहीं होता है। लेकिन इस होम थिएटर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बूफर को काट के पूरा बर्बाद कर दिया है, ट्रांसफार्मर का वायर को काट दिया है और बाकी सब वायर को कटिंग करके बर्बाद कर दिया है। तो फ्रेंड, इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, हमारा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जो होम थिएटर से रिलेटेड प्रॉब्लम से झेल रहे हैं या वो अपना काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाकी लोगों के पास शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारे वीडियो को उन लोगों ने देखेगा ही नहीं। तो जो लोग देखेगा उसी लोगों को शेयर करें और अन्यथा शेयर ना करें। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो रिक्वेस्ट था आपसे कर ही लिया, अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर बूफर को खोल लेते हैं, ताकि यहाँ पर न्यू बूफर को डालेंगे। तो चलिए इस बूफर को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हमारा जो स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन था उससे तो नहीं हुआ, कभी कभी हाथ का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है फ्रेंड। तो चलिए आगे पैनल को भी खोलेंगे, जो कि आगे इसका सिस्टम है, जहाँ से भी वायर का कनेक्शन होगा। और मैं इजीली वायर कनेक्शन को बताने का कोशिश करूँगा इस होम थिएटर में। बाकी होम थिएटर में भले ही ना कर पाए, लेकिन इस होम थिएटर में यानी लगभग सभी होम थिएटर में कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ झंझट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं क्लियरली इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। जिसको होम थिएटर के बारे में कुछ नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो ये जो है प्रॉब्लम को इजीली, अपना जो कनेक्शन को इजीली कर पाएंगे, कनेक्शन जो थोड़ा बहुत करते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे सभी वायर को कटिंग करके छील लिया हूँ, ताकि मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करूँगा सभी वायर में और कनेक्ट करके सेकेंड सेट वायर लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे 12 वायर का ज़रूरत पड़ेगा, तो हमारे पास 12 कोडिंग का वायर हमने ख़रीद के लाया हूँ। यहाँ पे होल थोड़ा सा है, यहाँ पे होल बड़ा कर लेंगे, ताकि वायर को इजीली पार कर पाएँ सेकेंड साइड में भी, और बाद में होल को मैं सील भी करूँगा, जो कि आगे वीडियो में आपको दिखाऊँगा। ये वाले वायर को भी निकाल दें, ताकि बाकी जो वायर है सबको हटा देंगे, ये सब वायर बर्बाद हो चुका है हमारा। इसमें कलर कोडिंग को देख लीजिएगा, जो जो कलर कोडिंग, उस कलर कोडिंग के हिसाब से ही आप अपना कोडिंग कर लीजिएगा, कौन सा कलर कहाँ पर जुड़ रहा है, और वही सेम कलर को सर्किट बोर्ड में भी जोड़ना है। तो हमारे पास ये 12 कलर का वायर आया है, लेकिन सेम कलर सब चीज़ में मैच नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को इजीली मैं मैच करके ही लगाऊँगा। तो चलिए, इसके नाप से मैं यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये हमारा इसके नाप के अनुसार मैं यहाँ पर कटिंग कर लिया हूँ फ्रेंड। अब चलिए, मैं इसको यहाँ पर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कनेक्शन करके। तो मेन कलर कोडिंग को ध्यान में रखना फ्रेंड, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं जो बता रहा हूँ उस बात पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रोसेस को सिर्फ देखिए, कहाँ से कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस वायर को पार किया, सेम ये वाली वायर आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसी वायर का इस्तेमाल करें। अगर अन्यथा कई दूसरा वायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका होम थिएटर का आवाज़ जो है ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे आवाज़ ख़राब ना हो, इसलिए मैं इस वायर का यूज कर रहा हूँ। तो ये वाली वायर आपको मार्केट में 10 से 15 रुपये या 50 रुपये के अंदर में तो मिल ही जाना चाहिए। तो चलिए, इस वायर को भी छील लेंगे, और जो जो कलर है जहाँ तक मैच होने के लायक होगा वहाँ तक मैच करके मैंने कनेक्शन करूँगा, और जो मैच नहीं होगा उसका कलर को याद करके मैं उस कलर में दूसरा वायर को कनेक्शन करूंगा, और वही सेम कलर को सेकंड साइड में भी कनेक्शन करूंगा। तो चलिए, यहाँ पर कलर को मैच करके यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा वॉल्यूम वाला वायर है, जो कि इनपुट है, और यहाँ पे जो है एक ऑडियो
ऑडियो जो AVX इनपुट जो होता है, और ये जो हमारा ऑडियो आउटपुट या इनपुट इसमें दिया हुआ है, और एक बेस का है। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट और आउटपुट दोनों है, और पावर का है, और फ्रेंड यहाँ पे जो है सभी का एक एक कुछ ना कुछ काम है। और ये वाले जो अभी जोड़ रहा हूँ मैं फ्रेंड, ये बेस वाली है। तो बेस वाली सैमसंग कलर कोड आपको सेकंड साइड में मिलेगा, मैं सैमसंग कलर कोड जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है बेस का वॉल्यूम का 3 वायर, जो कि इजीली आप समझ में आ जाएगा, जो कि सेम कलर कोडिंग आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन को कर लिया हूँ, और सभी वायर को इजीली कनेक्ट करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग करना ज़रूरी है फ्रेंड, लूज कनेक्शन ना करें ना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ इजीली। तो मैं ऐसे ही कनेक्ट करके मैं अपना होम थिएटर को चला सकता हूँ, ऐसे तो चले गए, लेकिन सोल्डरिंग कर लेने से एक हमेशा के लिए फिक्स हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और चलिए हमारा जो है कंप्लीट हो गया बेस कनेक्शन को, और इसको इजीली वायर को भी यहाँ पर छोड़ देंगे, बाद में इसको टैपिंग करेंगे। आप अपने अनुसार टैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड ये 2 वायर ब्राउन और ब्लैक है, ये 2 पावर का है, और ये 2 है इनपुट, जो ऑडियो इनपुट या आउटपुट, नहीं ऑडियो आउटपुट होगा फ्रेंड यहाँ से। तो ये मुझे ऑडियो आउटपुट के लिए कोई कलर कोडिंग ले लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारा ऑडियो आउटपुट 2 वायर में मिल जाएगा, और एक ग्राउंड है, और एक 5 वोल्ट प्लस है, जो कि इस बोर्ड का जो है लाइट के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है कनेक्शन हमने कर लिया, इसको भी सोल्डरिंग कर लेते हैं, और कलर को देखते हुए कनेक्शन को करेंगे। मैं तो फिलहाल जो जहाँ तक मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कौन सा वायर क्या है, एग्जैक्टली सभी होम थिएटर में अलग अलग जगह पे अलग अलग वायर होता है, लेकिन इतना सारा जो वायर है वो सभी होम थिएटर में देखने को मिलेगा। बेस वाली वायर, वॉल्यूम आउटपुट, वॉल्यूम इनपुट, वो सारा चीज़ मिलेगा। तो वॉल्यूम इनपुट जो इसमें जा रहा वॉल्यूम में, वो तो हमारा BT किट से जा रहा, ब्लूटूथ किट से, जो कि इसका जो सिस्टम है उससे जा रही है। तो आउटपुट जो मिलेगा वो होम थिएटर में जाएगा, जो कि वॉल्यूम के थ्रू से मुझे आउटपुट जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड है 5 वोल्ट जाएगा, ये दो वायर इनपुट है, और एक वायर जो, ये 2 वायर जो है पीला वाली वायर है, उसमें 5 वोल्ट गया हुआ, और यहाँ पे ये 2 इनपुट लेफ्ट राइट है, और एक 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। तो ये 2 जगह में 5 वोल्ट जाएगा, जो कि कनेक्शन को जोड़ लीजिएगा। और इजीली सर्किट बोर्ड में भी लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, 5 वोल्ट लेफ्ट राइट ग्राउंड ऐसा सारा चीज़ लिखा रहता है फ्रेंड। सभी सर्किट बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक अनुमान से कनेक्शन को अनुमान लगाना पड़ता है कौन सा कहाँ से एग्जैक्ट होता है। अगर हम थिएटर हमेशा बनाना सीख जाएंगे, अगर 2-4 बार बना लेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ पे होगा। जैसे कि मैं कोई भी होम थिएटर ले लेता हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि जहाँ से मैं इस चीज़ को गेस नहीं कर पाता हूँ। तो गेस करने का तरीका जो है, एक ब्लूटूथ किट से लेकर यहाँ तक का कनेक्शन को समझना, तो उस चीज़ को समझ में आ जाएगा, तो ही आप इजीली होम थिएटर का जो सारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल वहाँ तक तो गेस अभी नहीं करवाऊंगा आपको। यहाँ पे जो है 5 वोल्ट का मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए यहाँ पे 5 वोल्ट में सोल्डरिंग कर लेते हैं, और यही सेम वायर को सेकंड साइड में कनेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा फ्रेंड कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर भी एक ग्राउंड और एक 5 वोल्ट, इसके लिए भी कनेक्शन कर लेते हैं, और एक एंटीना के लिए भी कनेक्शन को निकालेंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा वो भी। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्राउंड और पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इसके लिए भी एक पावर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसको भी सोल्डरिंग कर लेते हैं, और कोई वायर बच के एक ठो ग्राउंड बचा है, उस ग्राउंड को भी ग्राउंड के साथ कहीं से भी कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे लेफ्ट राइट ये जो इनपुट है, ऑडियो इनपुट, जो कि मोबाइल का जैक से बजाने के लिए,
तो इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि सेकंड साइड भी हम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे तीन चार वायर बची हुई है, इनमें से कोई कनेक्ट कर लेते हैं जिससे कि सेम वायर को मैं सेकंड साइड भी कनेक्ट कर पाऊँगा। तो ये ग्राउंड वाला को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड वायर कलर दिख ही रहा है और बाकी तीन वायर को, दो वायर को इसके साथ में और एक वायर जो एंटीना कर देंगे और एक वायर को कहीं से ग्राउंड कर देंगे जो कि वहाँ पे दिया हुआ। तो चलिए मैं यहाँ से ग्राउंड कर देता हूँ क्योंकि ग्राउंड देना तो पड़ेगा ही, बिना ग्राउंड का कहीं पे चलेगा नहीं। तो चलिए मैं ग्राउंड कैसे दूंगा, माइनस पॉइंट से ही ग्राउंड दिया जाता है जो कि अब वोल्टेज का माइनस हो वो ग्राउंड ही होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया। यार ये ग्राउंड नहीं, हमारा पॉजिटिव वायर है फ्रेंड, मैंने तो ग्राउंड नहीं, हाँ पॉजिटिव वायर है, ब्लैक वाली हमारा ग्राउंड वायर था तो ये पॉजिटिव को कनेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो है ग्राउंड जो इसका अभी कनेक्ट कर रहा हूँ वो ग्राउंड हमारा है वो ब्लैक वाली वायर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा और ये लेफ्ट राइट को ये दो वायर में कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी कलर कोडिंग का सेम मैच करके अब अपना काम कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये दो वायर को भी हमने कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया सब जगह पे, अब यहाँ पे इसमें ग्लू गम की मदद से सभी को सील कर देंगे। तो यहाँ तक तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करने का ज़रूरत पड़ रहा है फ्रेंड, एंटीना के वायर को भी लेके जाना है। तो ये वाले ग्राउंड वाली वायर को कहीं ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पे ये वाले ग्राउंड पॉइंट है GND लिखा हुआ, इसमें ग्राउंड कर देते हैं ताकि एक्यूरेटली हमारा जो काम करे। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर दिया ताकि एक वायर की कमी हो रही थी हमारा। तो ग्राउंड को आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी वायर को मॉडिफिकेशन ना करें। तो चलिए यहाँ पे सभी वायर को भी यहाँ पे छील लेते हैं और इस वायर को भी कनेक्ट करेंगे इस होम थिएटर वाली बोर्ड में। तो इसमें भी कलर दिख जाएगा सभी क्लिप में, सेम कलर को कनेक्शन करेंगे। जैसे कि बेस वाली क्लिप का यहाँ पर वायर दिख रही है और यहाँ पे सारे कलर में वहाँ पे वायर है, ये वाली हमारा बेस का है, इसमें बेस वाली कलर दिख रही है, इसमें सभी में कुछ ना कुछ कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं कनेक्शन करने के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए पहले तो बेस वाली दिख रहा था, बेस वाली का ही कनेक्शन करवा लेते हैं, कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे कनेक्शन करेंगे। तो चलिए बेस वाली वायर को यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। ये हमारा बेस वाला वायर है, इसको पीला में जो वायर का कनेक्शन हो वो सेम कनेक्शन करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं यहाँ पे कनेक्शन कर ले रहा हूँ तुरंत।
तो फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप हम लोग को सपोर्ट करें, मेरे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पे सारा वायर का कनेक्शन हो गया है, मतलब बेस का कनेक्शन हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट वाले कनेक्शन को करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कनेक्शन यहाँ पे होगा, ये 5 वोल्ट और यहाँ पे इनपुट है, तो मैं यहाँ पे 5 वोल्ट में करता हूँ। फाइव वोल्ट हो गया, सब बुफर का कनेक्शन हो गया, सभी का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा सोच लिया हूँ कौन सा कनेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा और कौन सा कलर कोडिंग कहाँ कहाँ पे दिखेगा, वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ ताकि इजीली यहाँ पे कनेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए, मैंने कनेक्शन को अच्छी तरीके से देखने के बाद हमें कनेक्शन को समझ में आ गया, इसमें कलर दिख रही है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, इस जगह पे कनेक्शन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कौन सा हमारा 5 वोल्ट का कनेक्शन था, प्लस वाली और नेगेटिव वाली, तो यहाँ पे इजीली कनेक्शन कर लेते हैं ताकि 5 वोल्ट सही से जाए ब्लूटूथ किट में, ताकि ब्लूटूथ किट डैमेज ना हो। और नेगेटिव पॉजिटिव को अगर चेंज करते हैं तो आपका ब्लूटूथ किट जो है डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ को मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, यहाँ पे नेगेटिव को हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट में नेगेटिव को जोड़ लेंगे। तो मैंने लेफ़्ट राइट वाली पॉइंट में जोड़ रहा हूँ फ्रेंड, जो कि इनपुट होगा, नहीं आउटपुट जो हमारा आ रहा है इनपुट होगा इसमें बोर्ड में। तो वाली पॉइंट में भी मैंने कनेक्शन कर लिया, एक को वायर को कनेक्शन किया और वायर को मैच करते हैं, कौन सा वायर हमारा मैच हो रहा है उसके अनुसार यहाँ पे कनेक्शन को करेंगे। तो फ्रेंड, वायर को मैच करके कनेक्शन करें। तो फ्रेंड, यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वही जगह पे मैं जो कलर कोडिंग किया उसी जगह पे यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया हूँ ब्राउन और माइनस प्लस और लेफ्ट राइट, और कुछ कनेक्शन को यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है। और चलिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारा सेकंड साइड मैंने देख रहा हूँ कौन सा कनेक्शन कहाँ पे किया हूँ, उस चीज़ को देख देख के मैं आगे को कनेक्शन को बढ़ा रहा हूँ और कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती से गलत कनेक्ट ना हो जाए। तो मैं सभी को देख देख के यहाँ पे कनेक्शन करने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमारा इनपुट है जो कि ऑडियो जैक से टीवी वी से बजाने का, तो उसमें कनेक्शन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं और इजीली मैं साफ साफ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया हूँ और अभी सारा चीज़ को कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो चलिए, मेरा जो है कलर का कोडिंग कनेक्शन देख लिया कौन सा कहाँ पे जाएगा और इजीली आप यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं।
तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है और दो वायर का और कनेक्शन बच गया है। और दो वायर का जो है ऑडियो इनपुट का जो कनेक्शन आएगा वो यहाँ पे जाएगा, वो ऑडियो आउटपुट ऑडियो इनपुट था टीवी का, और ये जो है हमारा होम थिएटर में इनपुट जो होगा उसमें कनेक्शन जो जाएगा लेफ्ट राइट उसके लिए यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो जो सेम कलर आप चॉइस किए होंगे उसी कलर का अनुसार यहाँ पे कनेक्शन करना है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे तीन वायर है, तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट का या सेम कलर कोडिंग के साथ कनेक्शन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सेम कलर कोडिंग के साथ यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ। हमारा जो है ये ब्राउन जो है हमारा वो इसमें जाएगा और ब्लैक वाली जो है वो ग्राउंड। थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगा और इजीली यहाँ पे सोल्डरिंग हो जाएगा हमारा, हो गया। और एक वायर की ज़रूरत और पड़ेगी इसमें, तो मैं उस वायर को भी जोड़ने का कोशिश करूँगा कौन सा वायर कलर कोडिंग मैंने दिया हूँ। और उसमें नहीं है, ये एंटीना के लिए हमारा है, तो एंटीना वाली वायर को जोड़ देते हैं पहले। बाकी ग्राउंड तो वहाँ से मिल ही गया है, तो ग्राउंड का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पॉइंट ग्राउंड होने से भी चलेगा, लेकिन सब जगह से ग्राउंड होना चाहिए क्योंकि उसको कनेक्शन जाना चाहिए। तो चलिए आप इसको कनेक्ट कर देते हैं एंटीना वाली वायर को, क्योंकि बहुत लोग FM ज़रूरी सुनते होंगे इसलिए उस कनेक्शन को मैंने छोड़ा नहीं हूँ। अब लगभग कनेक्शन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या पूरा ही हो गया। आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिए वायर को कनेक्ट करेंगे और सब ऊपर का वायर को कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस वायर को कनेक्शन को कट कर दिया। यहाँ पे सोल्डिंग वायर की मदद से होल करेंगे और वायर को पार करेंगे और फिर यहाँ से सील करेंगे। सील करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड, हवा बाहर ना निकले, अगर हवा बाहर निकलेगा तो आपकी आवाज़ जो है ख़राब हो जाएगा, हवा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे सभी वायर में टेपिंग कर ले रहे हैं, और हमारा जो है सभी वायर का टेपिंग करके यहाँ पे इजीली सभी को ये कर देंगे ताकि कोई भी शॉर्टेज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और इजीली यहाँ पे हमारा जो होम थिएटर है सक्सेस हो जाए। तो सभी जगह ग्लू गम की मदद से सील कर लेंगे, टेपिंग कर लेंगे, आपके पास जो सुविधा है उससे टेपिंग कर लें ताकि वायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्लू गम की मदद से यहाँ पे टेपिंग कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए लाइफ में और इजीली इसमें मैं रिपेयर कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे टेपिंग हो चुका है और इसको लगा देते हैं सेकंड साइड में, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को करेंगे और उन सभी को इजीली यहाँ पे कनेक्शन करने का कोशिश करेंगे ताकि आप भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे तीन वायर लिए हैं ट्रांसफार्मर का, बीच वाले को रेड रखें या कॉमन रखें। तो बीच वाली हमारा जो है कॉमन वायर है जो कि GND या ग्राउंड बोल सकते हैं, तो ये है हमारा ग्राउंड वायर। इजीली अच्छे तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए लेफ्ट राइट वाली जो है 0120 है, तो 12 माइनस और 12 प्लस है, ये दोनों जगह पे मिलेगा आपको। मल्टीमीटर से चेक करिएगा तो 12 माइनस और 12 प्लस मिलेगा बीच वाले से। तो इस तरह का इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन
यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए चलिए मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से कनेक्शन को कर लिया हूँ। अब फ्रेंड मेन लाइन को कनेक्शन यहाँ करना, वायर को छील लेंगे और इजीली यहाँ पे कनेक्शन सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए दो वायर को यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे और इजीली यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करके और अपना होम थिएटर को चालू करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड आपका भी होम थिएटर में भी ऐसे कुछ तरीके से कर लीजिएगा ताकि आप अपने घर में इजीली बना पाएंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, आधा घंटा का हमारा वीडियो बन चुका है तो समझ सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा होगा। तो इस सब में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगता है, तो क्या करिएगा, मेहनत ज़्यादा लेकिन प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होता नहीं है। छोटा सामान है लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग करने का कोशिश करेंगे, बीच वाले को बीच में और साइड वाली वायर को साइड साइड में, दोनों को किसी भी साइड में लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच वाली पॉइंट को बीच में ही होना चाहिए। तो चलिए लगा लेते हैं। चलिए मैंने इजीली सोल्डिंग कर लिया दोनों साइड में, एक साइड में सोल्डिंग कर लिया और एक साइड में और सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है, मेन लाइन को भी सोल्डिंग करेंगे और ट्रांसफार्मर को लगाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मेन लाइन में यहाँ पर स्विच से कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है और एक वायर को मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्विच में सोल्डिंग लगा लिया और एक कनेक्शन कर लिया यहाँ पे, और ये रेड वाली वायर इसमें जोड़ दिया। ट्रांसफार्मर का एक वायर इसमें जुड़ गया, एक वायर इसमें जुड़ गया। अब चलिए इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सबवूफर लगेगा, सबवूफर लगाने के बाद ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। तो सबवूफर के लिए भी दो वायर जरूरत पड़ेगा और सबवूफर का कनेक्शन कहाँ पे वो दिखा देता हूँ आपको। उसी के अगल बगल में हर होम थिएटर में आपको देखने को मिलेगा किस साइड में है बोर्ड में। तो चलिए यहाँ पे दो वायर को इसमें भी जोड़ लेते हैं। ये 25 वाट 4 ओम और सवाल कंपनी का मैंने बूफर सबवूफर को यूज कर रहा हूँ, जो कि एक हद तक सही होम और सवाल का सबवूफर जो आवाज़ मुझे मिला दे देती है। और इससे भी अच्छे क्वालिटी का सबवूफर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, मार्केट में अगर मिल जाती है तो, और नहीं तो सवाल का तो इजीली मिल ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे ओसवाल का मिल गया मुझे, तो ओसवाल का यहाँ पे अंदर में लगा लेते हैं सबवूफर को। तो चलिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे लगा लिया और इसका नट बोल्ट को भी लगाएंगे, सारा चीज़ को इजीली इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इंस्टॉल कर रहा हूँ और इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो होम थिएटर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका होम थिएटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है फ्रेंड तो ज़रूर से कॉमेंट करें ताकि लोगों को मोटिवेट हो और मुझे भी अच्छा लगे। और वीडियो देखते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमेंट ज़रूर करें फ्रेंड, सब्सक्राइब करें या ना करें कमेंट हमारे वीडियो में ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो बाद की बात है फ्रेंड, आपका कमेंट ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है।